अब वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आपको पता है ना, इंडियन ज्योग्राफी के बेस्ट टाइम से क्यूज की यहां पर सीरीज चलाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी मैंने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 95 क्वेश्चंस मैंने बेस्ट एमसीक्यूज आपको करवा दिए, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ये सेकंड वीडियो यानी कि इसमें जो रिमेनिंग थे जिनके आप बारे में आप पूछ रहे थे, सर वो आप वीडियो कब अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे दोस्त, आप इनको अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है देखो, भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है, मतलब दक्षिणी बिंदु की यहां पर बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, केप कैमोरिन है इसका राइट आंसर। बात करते हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाना है। तो देखो, पूरब से पश्चिम के क्रम में आपको लगाना है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं ऐसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। देखिए, पहले पश्चिम बंगाल पड़ेगा, सही है ना, फिर झारखंड पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या आ जाएगा, गुजरात। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। आगे देखिए, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। देखो, पटकाई की पहाड़ियां भारत की कौन से पार्ट को, तो म्यांमार को, याद रखना, म्यांमार से अलग करती है भारत को पटकाई की पहाड़ियां। कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखो, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है, तो देखो मणिपुर से जो सीमाएं टच हो रही हैं वो कौन सी हैं, नागालैंड, असम, मिजोरम, ये तीनों के तीनों राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जुड़ी होती हैं। एक बात बताऊं साहब, कि आप जितनी भी सेवन सिस्टर्स हैं उनको आप अच्छी तरह से रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, वहां से राज्यपाल, वहां के मुख्यमंत्री, वहां की जो सीमाएं किससे किससे जुड़ती हैं, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किससे होता है, तो किस मतलब निर्धारण किसने किया था, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि रेड क्लिफ थे तो इसका, हाँ अब आप बताइए, खुद सोचिए इसमें क्या हो सकता है इसका जवाब। तो सिंपल सी बात है, सर सिरिल जोन रेड क्लिफ के द्वारा इनकी सीमा निर्धारित की गई थी, जिसमें रेड क्लिफ ही उसका नाम रखा था। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो एक बात हो, त्रि का मतलब होता है तीन, तो बांग्लादेश जो त्रिपुरा से घिरा हुआ है। डूरंड लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच, यानी किन दो देशों के बीच में जुड़ती है डूरंड लाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड लाइन, और इसमें आप बताइए कितना किलोमीटर की डिस्टेंस है। आगे बात करते हैं, देखो भारत का पूर्व जो पूर्वतम स्थान है, मतलब भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है, सिंपल क्वेश्चन, जिससे चीन की ज्यादातर जो सीमा है वो ज्यादा लगती है, वो कौन सा है, बताओ जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसे नेफा के नाम से भी जाना जाता था, पहले से नेफा बोलते थे, क्या बोलते थे, नेफा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्ण रूप पूरब की ओर है, इन चार में से पूरब की ओर कौन सा इनमें से ऐसा, वो आपको बताना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, लखनऊ जो है पूरब की तरफ है, ठीक है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है, तो मैंने आपको बताया था कि बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान द्वीप के अंदर है। बस आपको ये भी बताना है किस में, अंडमान निकोबार में तो चलो ठीक है, लेकिन अंडमान में पाई जाती है, ठीक है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ठीक है, राज्य एक अलग राज्य बना था, तब उसकी राजधानी क्या थी, ठीक है, 1953 में जब ये अलग हुआ था, तो 1953 में हुआ था, उस टाइम पर इसका नाम बताना है, तो जल्दी से सोच के बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो इसका नाम उस टाइम पर था कुरनूल, इसका नाम था। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य से प्रातःकाल सूर्य की किरणें पहले पड़ती हैं, तो एक बात बताइए, पूरम में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, तो पूरम में से क्या आता है, सूरज की रोशनी, तो अरुणाचल प्रदेश ही तो होगा इसका जवाब, तो इस जगह डी आंसर। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्यों का नाम बताएं, क्षेत्रफल में देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है भैया राजस्थान होगा, राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, तो सिंपल सा बात है पहला हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य से सात बहनों का जो है भाग नहीं लगता है, तो इसका जवाब आपको बताना है, तो देखो पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की सात बहनों का भाग नहीं है, तो देखो पश्चिम बंगाल के अंदर, सेवन सिस्टर्स के अंदर पश्चिम बंगाल नहीं आता, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, जिसमें भू आकृतिक सबसे ज्यादा है, तो देखो वो है आपका दक्षिण का पठार है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है, वो कौन सा भारत का राज्य है जो तीन देशों से अपनी सीमा बनाता है, तो ये हो जाएगा देखो सिक्किम, छोटा सा ये, ठीक है, जिसमें कंचनजंगा। आगे देखिएगा, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो
तो अक्षांश बताना है जो कि बराबर डिवाइड करता है, तो वो अक्षांश है आपका 23:30। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु यहां पर पूछ रखा है भारत का, तो इसका डिग्री में बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 68°7' पूर्व गुजरात। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो देखो अरावली के बीच में पूछा है, तो अरावली के बीच में मालवा का पठार है। सिलवासा किसकी राजधानी है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, सिलवासा किसकी राजधानी है, तो दादर नगर की हवेली ये इसका राजधानी है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे ज्यादा है, तो तटरेखा सबसे ज्यादा मैंने पहले भी रिपीट कराया था, तो ये है आपका गुजरात की है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है भावर, भावर का क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिएगा, कोरी निवेशक कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वो किस पर स्थित है, वो आपको जवाब देना है, कोरी निवेशक, तो ये आपका कच्छ का लिटिल रन में। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मैं आपको बताऊं, गुजरात झारखंड और मिजोरम से, असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे देखा 130 क्वेश्चन के, भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है, बताओ 30% क्षेत्र ही मतलब भारत का पूरा, वो कौन कौन से राज्य हैं, तो सिंपल देखो राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, सेकंड थर्ड इस तरह से। पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट का नाम क्या बताओ, पठारों का ढलान है। आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य कब अलग हुआ था, तो 1953 में हुआ था, ये पहले भी मैंने आपको रिपीट करवा दिया, सॉरी बात करते हैं, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ, तो देखो भाषा के क्षेत्र में तो ये हुआ था 1956 में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर 1956 हो जाएगा, ठीक है चलेगा, क्योंकि 1953 में तो अलग हुआ था लेकिन क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था, तो 1956 में हुआ था। बात करते हैं, देखो शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप था, शिव समुद्रम, तो जल्दी से सोचिएगा फिर मैं आपको जवाब देता हूं, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के द्वारा। भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है, तो भारत के बताओ इनमें से चार में से कौन सा है, तो महाराष्ट्र में से होकर के नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इनमें से कौन सा प्रदेश नहीं है बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी सोच के बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो गोवा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है, देखो मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, पर्वतीय, क्योंकि मणिपुर ऊपर ही पड़ता है ना हिमालय साइड में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है कोरोमंडल का तट, जो कि पूरब की तरफ है, ठीक है। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में से इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है कि देखो अक्षांशीय विस्तार की वजह से। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान रखता है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा सातवां, सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने, देखिए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, सो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो सबसे पहले किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे ना। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम है कोरोमंडल तटीय, जो अभी बताया था तमिलनाडु से आंध्रा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो ये देखो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो भारतीय सर्वेक्षण जो होता है वो भारत की भौगोलिक आकृति में जितने भी मानचित्र बनते हैं, जितने भी राज्य बनाए जाते हैं, बाउंड्रियां बनाई जाती हैं, उनका जो मेन चित्र बनाया जाता है मानचित्र, वो होता है भारतीय सर्वेक्षण का काम होता है। झारखंड किस गोलार्ध में आता है, तो ये आता है उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत वाला देखो ये है बी वाला, जबकि कोयली गुजरात, ठीक है, नुमाली असम, मनाली तमिलनाडु। आगे देखिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का ज्वालामुखी द्वीप है बताइए जल्दी से, तो बताया था ना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बेरन द्वीप है। आगे देखो भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर पाए जाते हैं, तो भारत के मुख्य भूभाग में कितने महासागर पाए जाते हैं, कितने महासागर मतलब मिलते हैं, जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ एक महासागर है जो भूभाग में आकर के मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रबाल द्वीप समूह है, तो प्रबाल द्वीप समूह का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
लक्षद्वीप पहले भी बताया था, वो पूछा गया था कि लक्षद्वीप जो है वो कैसे बना था, तो प्रबाल द्वीप समूह के। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है, मतलब पूर्व और पश्चिम में। तो आपको पता होगा पूर्व में अरुणाचल है और पश्चिम में कौन सा है, गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कोंकण तट। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है आपको मैं बता दूं, तीनों ही सही है इसमें, क्योंकि असम की सीमा बांग्लादेश भूटान से मिली है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान नेपाल से, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो इसका एग्जैक्ट देखो, शिमला जो है वो इधर उत्तर प्रदेश में थोड़ी है शिमला, देखो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कोडाई कनाल तमिलनाडु, माउंट आबू एकदम सही है राजस्थान। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, तो मन्नार की खाड़ी आपके तमिलनाडु के अंदर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिएगा, उपर्युक्त राज्यों में से कौन क्रमशः बड़ा और छोटा भौगोलिक क्षेत्र रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बताओ, देखिए आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। बात करते हैं आपका, देखिए कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में स्थित है, तो कोरोमंडल तट, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा, देखो संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये देखो दक्कन का पठार, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए मरुस्थल उर्वर मैदान और मध्यम रूप से बनाच्छिद पर्वत भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की दक्षिणतम विशेषता है, तो सबसे बेस्ट विशेषता किसकी है, उत्तर पश्चिमी भारत की। दोस्तों यहां पर हमने जितने भी बेस्ट एमसीक्यूज थे उनका हमने एक बार रिवीजन कर लिया, आप हमें बताना कि आपने कितना अच्छा इसमें स्कोर किया, कितने सारे आपके गलत थे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो किस बेस्ट एमसीक्यूज के टॉपिक पर बनाई जाए, जो कि आपके एग्जाम में आपको रिक्वायर लगता है, उन पर मैं जरूर बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों। जरूर अगर ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।